अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन के जायका। आज की जो हमारी पहली अफ्तारी, यहाँ पे मैंने जो बनाया है कीमा आलू पैटिस, तो आप देख लेते हैं फटाफट कि किस तरह से हमने इसको बनाया। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बन के तैयार होने वाली है। तो चलिए हम देख लेते हैं हमने इसको किस तरह से बनाया है। सबसे पहले हम एक बर्तन में 2 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है, साथ ही में हम यहाँ पर जो है बारीक कटी हुई प्याज, 2 बारीक कटी हुई प्याज लिया है और 6 से 7 हमने जो है ग्रीन चिलीज को बारीक कट कर लिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को हम ज्यादा लाल नहीं करेंगे, हल्का सा इसको क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। ये देखेंगे हमने किस तरह से प्याज को इस तरह से लाल कर लिया। अब यहाँ पर मैं है जो 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से रॉनेस जब तक कम ना उसको भून लेते हैं। ये आप देखेंगे अदरक लहसुन भी अच्छी तरीके से भून चुके हैं। अब यहाँ पे जो मैं ऐड करूँगी 250 ग्राम के करीब कीमा, ये मटन का कीमा लिया है, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये आप देखेंगे कीमे को भी हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1/4 हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने लिया है रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला, सॉल्ट एज पर टेस्ट। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। ये आप देखेंगे हम इसको अच्छी तरीके से क्या कर लेते हैं, मिक्स कर लिया है और इसको थोड़ी धीमी आंच पर हम पकने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। इसको हम ढक देते हैं। ये आप देखेंगे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट जो हमारा कीमा है वह भी गल चुका है। अब इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा जो है धनिया बारीक कटा हुआ, पुदीना ऐड कर दूंगी और उसके साथ भी हम उसको 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से चला लेंगे और जितना जो कीमे का पानी है उसको अच्छी तरीके से हम क्या करना है, सुखा लेना है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से कीमे का पानी भी अच्छी तरीके से हो जो है सूख चुका है। अब हम जो है गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और उसको थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इस बनाने के लिए हम जो है सबसे पहले अब जो आलू को हम क्या करेंगे, बॉईल कर लिया था हमने और उसके साथ ही हम इसको मैश कर लेते हैं मैशर से। ये आप देख सकते किस तरह से मैंने जो है आलू को अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अब इसमें यहाँ पर मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर, साथ ही में यहाँ पे हम रेड चिली भी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा जो है सॉल्ट क्योंकि हमने कीमे में भी ऐड किया हुआ है, और हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इन सबको हम अच्छे से क्या कर लेते हैं, मिक्स कर लेंगे और साथ में भी यहाँ पे जो है राइस फ्लोर चावल काटा 2 चम्मच हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे ताकि जो उसका जो गीला पसंद है वह थोड़ा हल्का सा ड्राई हो जाए। इस तरह से जो है आलू का बैटर हमारा बनके तैयार हो गया है। आइए अब हम इसे पैटीज बनाना स्टार्ट करते हैं। पैटीज कर तैयार करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 2 एग लिया है, इसको हम अच्छे तरह से बीट कर लेंगे। इसमें हमने इसे ऐड करके रखा हुआ, पहले हम थोड़ा सा पोर्शन जो है आलू का इस तरह से ले लेंगे, इसको फ्लैट कर लेते हैं। इसमें हम जो है ये तरह से इस तरह से आप देखेंगे किस तरह से हम उसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा पैटीज बन गया है। अब मैं इसको यहाँ पे अंडे में ड्रिप कर लूँगी, साथ ही में ब्रेड क्रम्स में हम इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। ये हमारा आप देखेंगे किस तरह से पैटीज कीमा पैटीज बन के इसी तरह हम सारे के सारे पैटीज बना के तैयार कर लेते हैं। ये आप देखेंगे हमने किस तरीके सारे जो है कीमा के पैटीज बना के तैयार कर लिए। आइए अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है, इसके साथ ही हम जो है एक एक करके
पैटीज उसमें डाल देंगे। जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम स्लो पे हम रख लेंगे। उसको एक तरह से अच्छे से होने देते हैं, फिर उसके बाद में हम उसको पलट लेंगे। देखेंगे किस तरह से हमारे वन साइड जो हो गया, अब हम उसको पलट लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने दोनों साइड से तो जो है अच्छी तरीके से फ्राई करना है। वन साइड होने के बाद में हमने पलट लिया, उसको भी हम 2 से 4 मिनट तक ऐसे ही होने देते हैं। ये आप देखेंगे दोनों साइड से जो हमारे जो है कीमा पैटीज रेडी हो चुके हैं। आइए हम इसको सर्व करेंगे। हमारे बाकी जितने भी बाकी है पैटीज उसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। ये आप देखेंगे लास्ट के जो हमारे बाकी थे पैटीज वो भी हमने फ्राई कर लिए, इनको भी निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे गर्मा गर्म जो है आलू कीमा पैटीज बनके तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही करारे से और क्रिस्पी अंदर से एकदम सॉफ्ट है। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।